नमस्कार। भारत माता की। आज पुरी में आयोजित एसटी मोर्चा के नेशनल अधिवेशन में सभापति की दायित्व निभाने वाले हमारे परम आदरणीय रामविशर नेताम जी, नेशनल प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा की, और हमारे परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री जुएल उराम जी, हमारे राष्ट्रीय समिति की महामंत्री और उड़ीसा की प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, झारखंड की भूतपूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, हमारे यहां उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री और एसटी मोर्चा की फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट फगान सिंह कुलेष्टी जी, परम आदरणीय कुमार विजय सिंह जी, गिरिधर गुमांग जी, हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के, यहां उपस्थित पालाक डोरा जी, रवि नारायण नाइक जी, अर्जुन मीना जी, सुकाश उराम जी और बसंत पांडा एमएलए और स्टेट प्रेसिडेंट उड़ीसा की, और यहां उपस्थित देश के अलग अलग प्रांतों से आई हुई परम आदरणीय एसटी मोर्चा की मेरी प्यारी भाई और बहनों, सबसे पहले भगवान की धरती पर हम सब लोगों ने कदम रखी है। जय जगन्नाथ। और भगवान के शरणों पर कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि इस देश एक दुनिया के सबसे आदर्शवादी देश, 5000 साल की सभ्यता और संस्कृति से मजबूत कि हमारी खूबसूरत देश हिंदुस्तान, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारे देश के आदर्शवादी नेता मेहनती और ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें देश को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अरुणाचल प्रदेश के गुजरात तक देश को जोड़ने के लिए हमें एक लक्ष्य दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सबको, एसटी हो या एससी हो, हर वर्गों के देश की संप्रदाय के लोगों को मिलकर ही ये लक्ष्य को हमें हासिल करना है। तो
इसलिए जो नीति इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोदी ने हमारा हाथ में छोपा है वो नीति है सबका साथ सबका विकास। इसलिए मुझे लगता है कि हम किसी भी कारण में इसे नहीं देखना सही। मोदी जी जैसा ईमानदार नेता हमें देश में मिला है बहुत तपस्या के बाद, इतना मेहनत की एक दिन में 20 घंटा तक मेहनत करता है, निष्ठावान ऐसा एक ईमानदार नेता हमें मिला है, ये हमारे लिए सुनहरा मौका है। अभी देश का कोई भी जनता पीछे नहीं रहेगा, कोई भी जनता सबको आगे जाने के लिए मोदी जी ने सबको इज्जत से मौका दिया है। इसके अलग अलग कार्यक्रम प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने हाथ में लिया है जिसका लाभ सबको मिल रहा है, सही उजाला हो, सौभाग्य हो, आयुष्मान हो, जनधन हो, मुद्रा हो, स्टैंड अप हो, स्टार्टअप हो, डिजिटल हो, स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, क्या नहीं किया किसानों के लिए इतना बड़ा दिल में मोदी जी का जगह है। इसके वजह से किसानों को एक का बाद एक बेनिफिट देते आए, इसके लिए आज सारा देश में किसान खुश। और कल जो बजट पेश किया गया इस बजट में मैंने देखा किसानों के लिए कितना खुश कर, इंटरेस्ट फ्री लोन, स्टैंडर्ड एमएसपी और स्पेशल एजुकेशन फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए जो मजबूत कदम उठाया गया है, मुझे लगता है कि हमें अभी सबको एक साथ मिलकर मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, क्योंकि हमें कार्यक्रम के द्वारा बजटरी सपोर्ट दिया गया है, लेकिन हमें इस धरती में इस मिट्टी में जो शक्ति है इस शक्ति को उजागर करने के लिए हमें मेहनत करना होगा। जैसे मोदी जी ने एक दिन में 26 घंटा के अंदर 20 घंटा मेहनत करके देश में एक परिवर्तन लाया, जिस परिवर्तन की माहौल पर आज हर नागरिक आनंद से जीने के लिए उनको और बहुत निष्ठा से काम करने के लिए उनको मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि हमारे एसटी भाइयों और बहनों हमारे अभी बजट में जो व्यवस्था काल रखा गया है, मुझे लगता है कि अभी हमें भी आगे जाना हो। और मोदी जी हमेशा एसटी के लिए समर्पित है यह मानना होगा, क्योंकि मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं। आप नॉर्थ ईस्ट देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हर प्रदेश एसटी ही है, चाहे मेघालय हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे असम हो, चाहे मणिपुर हो। और पहले इतना खूबसूरत इलाका को किसी ने आविष्कार नहीं किया, आविष्कार का मतलब है नॉर्थ ईस्ट में बचा हुआ प्रकृति संपदा और संभावना को, शक्तियों को किसी ने आविष्कार नहीं किया। मोदी जी पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा ये नॉर्थ ईस्ट देश का अष्टलक्ष्मी है, हिंदुस्तान को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से प्रतिष्ठा करने के लिए नॉर्थ ईस्ट को नई इंजन का भूमिका निभानी होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे एसटी भाइयों और बहनों, आप लोगों को इन बातों को ध्यान से लेना बहुत जरूरी है, नई पीढ़ियों को उजागर करना बहुत जरूरी है, विद्यार्थियों को अपना मन पढ़ाई में ध्यान पढ़ाई में बढ़ाने के लिए उनको आपको उत्साहित करना होगा, क्योंकि शिक्षा की बिना कोई व्यक्ति शक्तिशाली नहीं बन सकता। और हमारे हर प्राइवेट फैमिली में अभी जो शिक्षा व्यवस्था में केंद्रीय सरकार की तरफ से अलग अलग सुविधा दिया गया है, और आप देखिए अभी ग्रामीण क्षेत्र में सड़क हो या पुल हो, बिजली हो या गैस हो, बैंक अकाउंट
कि द्वारा हर गरीब फैमिलियों को हर बेनिफिशियरी को 100% लाभ मिले, सारे शिशुओं को इतना निष्ठा से ख्याल रखा गया है तो मुझे लगता है कि अब हमें पीछे नहीं देखना चाहिए। तो इसके मैं भी एक एसटी हूं, ट्राइबल, मैं भी ट्राइबल हूं, मुझे भी मोदी जी ने मौका दिया है और मोदी जी ने मुझे असम में चीफ मिनिस्टर बनाया। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, असम का जनताओं ने सहयोग किया, इसके लिए आज मुझे देश सेवा करने के लिए एक मौका मिला है। ये जो मौका मिला है ये ईश्वर का आशीर्वाद है, जनता का शुभकामना है, इसलिए मुझे लगता है कि इस मौका को हमें सही समाज की हितों के लिए मौका को सही इस्तेमाल करना होगा। तो मुझे लगता है कि आज यहां उपस्थित जितना भी मेरे भाइयों बहनों हैं, आप लोगों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मोदी जी हमारे लिए समर्पित है और समर्पित रहेगा। इसलिए मैं हिंदुस्तान का हर कोने से आए हुए एसटी भाइयों और बहनों को मैं आह्वान करना चाहता हूं, हम सब मिलकर मोदी जी का साथ दे, हर वक्त मोदी जी का साथ रहे। आप लोगों को पास प्रतिज्ञा लेना होगा, मैं आप लोगों से यही आह्वान करता हूं, आप खड़ा होकर कहिए हम मोदी जी का साथ है, सारा हिंदुस्तान मोदी जी का साथ है, हमेशा रहेगा, विकास के लिए रहेगा। कोई मामूली प्रतिज्ञा नहीं है, जय जगन्नाथ की धरती पर लिए हुए प्रतिज्ञा, इसको अपने जमीनी हकीकत से जोड़ना होगा, इसको ईमानदार से आप सबको निभाना होगा। इसके अगले चुनाव में कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, हमारा जितना भी प्रदेश में बसे हुए इसके भाई और बहनों, आप सब मन बनाइए कि अगले चुनाव में हम इतना मेहनत करेंगे, घर घर जाएंगे, हर भूटान के पास जाएंगे और हमारे पिछले साढ़े सात साल का मोदी जी का जो सफलता का इतिहास हम बताएंगे और मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। विकास के लिए, इस विकास देश के विकास के लिए हमें मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना ही होगा। आप सहमत है? सहमत है? सहमत होना होगा देश की हितों। तो आप, मैं दादा इस सभा में ना बोलते हुए अरुण सिंह जी को मैं खास करके धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने मुझसे बार बार फोन करके कहा आज मेरा आसाम में भी स्टेट कन्वेंशन है, बहुत जरूरी बैठक है, बड़ा आदरणीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी के हमारे संगठन रामलाल जी भी तेजपुर में है अभी, तो जब अरुण सिंह जी ने कहा आपको आना ही होगा, आप एडजस्ट कीजिए, तो मैंने आप सबका आदेश पालन किया और यहां मैं एक बात आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी किसी देश का पास एक पॉलिटिकल पार्टी का इतना सदस्य नहीं है जो आज भारतीय जनता पार्टी का पास है। तो ये काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने संभव किया, तो इसलिए आज सब लोग अमित शाह जी का नाम में एक बार नारा लगाइए, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। तो इसलिए हमें भी अगले दिनों में ये जो माहौल बना
देश के हर फैमिली में बीजेपी का सदस्य बना, तो इसलिए ये परिवार इसलिए बनाया गया है, ये टीम इसलिए बनाया गया है कि हिंदुस्तान को हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से प्रतिष्ठा कर पाए, इसका पहचान बनाए और हमारे हर क्षेत्र में नई युवा हो, महिला हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, अलग अलग हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का जो काम परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया है, जो सफलता प्राप्त किया है, जो सुशासन व्यवस्था दिया है, इसके लिए आज हिंदुस्तान आगे बढ़ने के लिए आज मजबूती से अपना कदम रखा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं एसटी मोर्चा की हर भाइयों बहनों, आप भी यहां से मन बना के जाइए, अपने अपने प्रदेशों में जनता का सा रिश्ता बनाइए, ताकि अगली 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से बहुत अच्छे हमारे भारतीय जनता पार्टी जीत के आए और प्रधानमंत्री मोदी जी बने। इसी शब्दों का साथ मैं अपने भाषण का विराम लेना चाहता हूं और यहां उपस्थित सभी भाइयों बहनों की शरणों में से झुका के आप सबका आशीर्वाद मांगते हुए मैं अपने भाषण समाप्त करता हूं।